आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो कि आपने पढ़ ली। कौन कौन सी थी जी? नंबर वन पे पेरिस्टालसिस, नंबर टू पे क्या थी पार्ट ऑफ स्टमक, और नंबर थ्री पे लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट थे, और क्या था भला, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, यही थे। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे पेरिएटल सेल्स। भाई पेरिएटल सेल्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। पेरिएटल सेल्स क्या है? ये इसका काम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के लिए, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन फूड, यानी ये डाइजेस्ट फूड को हजम करने के लिए ये एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है। कौन सी? ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट करता है, और अब्जर्व करता है मिनरल्स को, और किसको? हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करता है? उसको मार देता है, कंट्रोल कर लेता है। इसका ये काम है। इसकी शक्ल की किस तरह की होती है? ट्रायंगुलर शेप की। डिफाइन करते हैं इसको। रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन विच एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इस तरह आपने लिखनी है, सेम इसी तरह, विच एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और मिनरल्स को क्या करना है? ऑब्जर्व करते हैं। पेरिस्टाल्स क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं किसको? अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। और हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करना? कंट्रोल करना या उसे मार देना। कंट्रोल हम लिख लेते हैं, कंट्रोल। इनेबल भी लिख सकते हैं, किल भी लिख सकते हैं। कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब ये टीचर पूछ सकता है, भाई इसकी शेप किस तरह की है? तो आपने बताना है लाइक अ का ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अब दूसरे थर्ड नंबर पे हमने पहले डेफिनेशन है इसकी लिखी, डेफिनेशन के बाद हमने ये लिखा कि ये शेप इसकी किस तरह की होती है। तो आपने बताना है ट्रायंगुलर शेप की फॉर्म में होता है। दूसरा, इसके अंदर जो HCl है, आया कि इसके अंदर से HCl सीक्रेट होता है, तो आपने बताना है यूएस HCl भी प्रोड्यूस होता है किससे? पेरिटल सेल्स से। अच्छा, पेरिटल सेल्स होते कहाँ पे हैं पूछ सकते हैं। तो आपने बताना है स्टोमिक के अंदर, सर स्टोमिक के अंदर पेरिटल सेल्स होते हैं, पेरिटल्स सेल्स रिलीज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब आपने भाई बताना है बहुत ही इम्पोर्टेंट के क्या हमारे अंदर भी मीथेन गैस क्रिएट होती है? कैसे रिलीज होती है भाई? पता नहीं है, कोई पूछ सकता है तो आप तो हैरान हो जाएंगे कि भाई हमारे अंदर से मीथेन गैस क्रिएट होती है, वो कैसे? पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह क्वेश्चन? डज द स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड? दस स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लें, लार्ज इंटेस्टाइन लिख लें, नो मैटर। द स्मॉल इंटेस्टाइन
रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने यस कैसे, जो कि अनडाइजेस्ट फूड होता है कि जो हजम नहीं होता, वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर किसके अंदर चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और हार्मलेस बैक्टीरिया क्या होते हैं, जारी सी बात है अंतड़ियों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। वो क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, फूड की ब्रेक डाउन कर देते हैं, और हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं। वन और कुछ लोग हैं, वन थर्ड वो मीथेन भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और आखिरकार ये गैसेस कहाँ से स्क्रीट होती हैं, कहाँ से बाहर निकलती हैं, रेक्टम के जरिए। यू नो रेक्टम आप तो जानते होंगे, जारी सी बात है पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, रेक्टम अनडाइजेस्टेबल फूड, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, अनडाइजेस्टेबल फूड व्हेन पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन small intestine and where harmless bacteria break down of down this food and release the release कौन कौन सी गैसेस, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और एट द एंड ये रिलीज कहाँ होती हैं, ये रिलीज कहाँ से होगी, रेक्टम के जरिए, कहाँ से, रेक्टम के जरिए। एंड पार्ट आप जानते हैं कौन सा हिस्सा रेक्टम है, ठीक है। तो और कुछ वन थर्ड लोगों में मीथेन गैस भी रिलीज़ होती है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन जो कि इम्पोर्टेंट थी एग्ज़ाम के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो अगर कोई सजेशन आपकी तरफ से हो तो काइंडली आप लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।